Start. Oh Govind. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giribara Dhari Yashoda Nandana Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravana Yamunatiravanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giribara Dhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರಿ ಹರಿ ತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುಂ ನಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೀನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೇ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣೀ ಪ್ರಚಾರಿಣೇ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನು ಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನು ಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶಿವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ,
हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो श्रीमती राधा रानी और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम आज मानसिक गोवर्धन परिक्रमा की दसम दिवस में पहुंच रहे हैं, अंतिम पड़ाव में। कल हम श्री श्री राधा कुंड के बारे में चर्चा कर रहे थे और राधा कुंड का परिक्रमा समाप्त करके श्रीमती राधा रानी का गुणगान किए थे। श्रीमती राधा रानी वृंदावनेश्वरी हैं, उनकी कृपा के बिना कोई भी वृंदावन धाम की गुणगान नहीं कर सकता है। हमने कल रघुनाथ दास गोस्वामी, जो हमारे सड़ गोस्वामी में एक गोस्वामी हैं, उनके बारे में चर्चा किया और उनका गुणगान किया। राधा कुंड से बस थोड़े ही आगे गोवर्धन में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है माल्य हरण कुंड। आप सब जानते हैं माल्य हरण कुंड के बारे में? जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो माल्य हरण कुंड में एक बहुत बहुत ही ऐतिहासिक रोमांचक, हालांकि भगवान की सारे लीलाएं तो रोमांचक होते हैं, पर ये ऐतिहासिक लीला माल्य हरण कुंड के पास हुआ था। जब राघव पंडित नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य को गोवर्धन परिक्रमा करवा रहे थे तो माल्य हरण कुंड को विशेष रूप से वो वर्णन किए थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ये माल्य हरण कुंड के पूरा लीला को एक किताब में लिखित रूप में परिवेशन किया है। उस किताब का नाम है मुक्त चरित, द स्टोरी एंड द हिस्ट्री ऑफ द पल्स। मुक्ता पल्स, द हिस्ट्री ऑफ द पल्स। तो कहानी ऐसे चालू होता है कि एक बार सत्यभामा देवी और कृष्ण द्वारका में बैठ के ऐसे आपस में बातचीत कर रहे हैं और कृष्ण सत्यभामा देवी का जो बाएं हाथ का ब्रेसलेट को कंगन जो भी है, हथकड़ी नहीं हथकड़ी तो ब्रेसलेट नहीं होता है, जब पुलिस पहनाता है हथकड़ी तो हथकड़ी सैकल्स बोला जाता है, जब आपकी प्रेमिका या फिर कोई आपको उपहार देता है तो ब्रेसलेट बोला जाता है। तो हम तो हिंदी इतना हमारा, तो जो भी है ब्रेसलेट, तो मुक्ता का पर्ल्स का ब्रेसलेट था और कृष्ण सत्यभामा देवी का वो मुक्ता का ब्रेसलेट देख के हंसने लग गए और वो जो मुक्ता का ब्रेसलेट कृष्ण स्वयं अपने हाथों से सत्यभामा देवी को दिए थे। तो कृष्ण जब उस ब्रेसलेट को देख के हंसने लगे, सत्यभामा देवी प्रश्न पूछने लगे कि आप क्यों इसको देख के हंस रहे हैं, इसका क्या रहस्य है मेरे को बताइए, और आपका आनंद और हंसी का रहस्य मेरे को बताइए। तो कृष्ण बताते हैं कि ये जो मुक्ता है, जिस मुक्ता से आपका ये ब्रेसलेट बना हुआ है, ये मुक्ता मैं स्वयं ब्रज में उगाया हूं। तो सत्यभामा देवी सुन के, हाँ
मैं सोचा मुक्ता तो शंख से ऑयस्टर उससे निकलता है, समुद्र से मिलता है, पर आपने ब्रज में मुक्ता उगाया। तो सत्यभामा देवी पूरा कथा सुनने के लिए रेडी हो जाती है कि मेरे को वो कथा बताइए कि किस तरह आपने ब्रज में मुक्ताओं को उगाया जमीन से। तो कृष्ण भी, जैसे ही कृष्ण ब्रज के बारे में कोई इच्छुक आग्रह कथा सुनने के लिए मिल जाते हैं तो कृष्ण कितना उत्साहित हो जाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं कृष्ण अत्यंत उत्साहित होके ब्रज की लीलाओं के बारे में बताते हैं। तो हमको समझ में आ रहा होगा कि हम जब मानसिक गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं तो कृष्ण कितने प्रसन्न होंगे ब्रज की कथा, ब्रजवासियों का गुणगान सुन के। तो कृष्ण अत्यंत उत्साही होके सत्यभामा देवी को बताते हैं, वो दीपावली का दिन था और मेरे को अभी भी स्पष्ट रूप से याद है। दीपावली के दिन सारे ब्रज में मैं देखा, सब कोई अपना घरों को सजा रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं। अभी भी नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे, अभी भी दीपावली में पूरा घर साफ होता है। 7 दिन 10 दिन पहले दीपावली का उत्सव शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है और सब कोई अपना घर साफ करता है, घर का सजाता है, सब कुछ नया रूप से जो भी रिपेयर होता है सब कुछ हो जाता है इसी समय। में भी हर कोई व्यक्ति घर सजाने में, साफ करने में लगे थे और कोई कोई तो दीप बना के सजा रहे थे। तो मैं ऐसे ही घूम घूम के ब्रज की और ब्रजवासियों का सेवा देख रहा था, कितना सुंदर तरीके से ब्रज सेवा कर रहे थे। तो तुरंत मैं जब गोवर्धन के पास पहुंचा, एक माल्य हरण कुंड गोवर्धन के पास जब मैं पहुंचा, उधर देखा एक कुंड के सामने श्रीमती राधा रानी और सारे सखियां लोग मुक्ता का माला बना रहे हैं। उसको थोड़ा इधर पीछे ले लीजिए और या फिर आगे ले लीजिए, क्योंकि ये सेम लाइन में है इसीलिए इको कर रहा है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स विच आई स्टडीड। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ब्रज में जब कथा होता है तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है। ये भौतिक जगत का एक, इससे हमको तीव्र इच्छा होना चाहिए कि हम भगवान के धाम, भगवत धाम चले जाएं जल्दी से जल्दी। भगवत धाम में ये सब साउंड सिस्टम प्रॉब्लम, शरीर का प्रॉब्लम और नींद, बाकी बाकी जो सब प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, भूख लगने का प्रॉब्लम, कथा हुआ तो खाने का भी प्रयोजन करना, ये सब प्रॉब्लम ब्रज में नहीं होता है। तो हम आशा करते हैं इस जीवन में हम सब एकत्रित होके अच्छी तरीके से भक्ति करके ब्रज में प्रवेश करने का कोशिश करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु हमको उसी को ध्यान करने के लिए आए हैं। और इतना साल भक्ति करके अगर भगवान के करीब पहुंच नहीं पाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए और ब्रज में भगवान का सेवा हम बिना बाधा विघ्न का कर सकते हैं। तो भगवान जब देखे कि सारे सखियां लोग माला बना रहे हैं तो भगवान तुरंत, वी कैन रिड्यूस द वॉल्यूम और मे बी, तो भगवान वी कैन रिड्यूस द वॉल्यूम यस हरे कृष्ण। तो भगवान जब देखे कि दैट्स फाइन, कि इतना सुंदर से माला बना रहे हैं सारे सखियां लोग, भगवान तुरंत उधर पहुंच जाते हैं और
बोलते हैं कि हे सखीगण, आप सब इतना सुंदर माला बना रहे हैं, मेरा एक हृदय में एक इच्छा हो रहा है, जागृत हो रहा है कि आज दीपावली का महोत्सव है और सब कोई ब्रजवासी हर चीज को, हर घर को बहुत सुंदरी तरीके से सजा रहे हैं, पर मैं चाहता हूं मेरे जो प्रिय दो गायें हैं, हरिणी और हमसी, देखिए कृष्ण के दो प्रिय गायें हैं, उनका एक का नाम है हमसी और एक का नाम है हरिणी। तो ये जो मेरे दो प्रिय गायें हैं, हरिणी और हमसी, हमसी सफेद की रंग की और हरिणी हमारी कस्तूरी का रंग, मतलब येलो, लाइट येलो ब्राउन, हरिणी की तरह, ये दो मेरे जो प्रिय गाय हैं, मैं उनको सजाना चाहता हूं, आप मेरी ये दो गायों के लिए थोड़ा का मुक्ता का हार देंगे। तो कृष्ण जब ये अनुरोध रखे, रिक्वेस्ट रखे, तो सारे सखी लोग ऐसे कि मानो कि उनको सुन नहीं पा रहे, अपना अपना काम में व्यस्त हैं और कृष्ण को पूरा नजरअंदाज कर दिए। और ललिता देवी अपना जो बहुत सुंदर सुंदर मुक्ता था श्रीमती राधा रानी के सामने रख देते हैं और पूछते हैं, हे राधा रानी, राधिका कैसे, कौन सा आपके लिए सूट करेगा बताइए, तो ये पीला आपको सूट करेगा ना। तो ललिता देवी कृष्ण को नजरअंदाज करके अलग अलग माला राधा रानी को दिखा रहे हैं और ये सूट कर रहा है, ये सूट नहीं कर रहा है, एज इफ कृष्ण डज नॉट एग्जिस्ट। तो कृष्ण को बहुत खराब लगा। तो कृष्ण फिर से पूछे कि आपके पास इतने सारे बहुत सुंदर मुक्ता है, मैं चाहता हूं कि आप बस दो हार मेरे हमसी और हरिणी के लिए दे दीजिए। तो फिर ललिता देवी बोले कि कृष्ण आप हमको माफ कर दीजिए, हमारा जो ये हार है और मुक्ता का माला है ये उतना सुंदर नहीं है कि आपके सुंदर गायों को सजा सके, हमारा उतना बड़ा सौभाग्य कहाँ है कि हम आपकी गायों को सजाने के लिए मुक्ता का हार दे पाए। दीज आर नॉट क्वालिफाइड पर्ल्स टू डेकोरेट योर काउस। तो कृष्ण फिर बताए कि शायद आप अहंकार से बहुत गर्वित हो जा रहे हैं। तो ललिता देवी बताए, हाँ हम तो अहंकारी हैं, हमारा जो ये मुक्ता है, क्यों राधे, हमारा सब मुक्ता, हम सोचते हैं कि कृष्ण के सारे गायों को ही ग, 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 सजाने के लिए हम सारा मुक्ता कृष्ण को दे दें, क्यों राधे, ऐसा ही ना, और इसीलिए तो हम इधर बैठे हुए हैं कृष्ण को गायों को सजाने के लिए। और गाय क्या, कृष्ण का भैंस को भी सजा देंगे हम। तो जब गाय और भैंस का ऐसे बात किए ललिता देवी, तो सारे सखियां लोग हंसने लग गए पेट पकड़ के, हाँ 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 ये माला देखिए कृष्ण का जो भैंस है उसमें जमेगा, और ये तो देखिए कृष्ण का गाय को बहुत अच्छा लगेगा, और ये राधे ये तो बहुत हमसी को जचेगा, और ऐसे बात करने लगे और कृष्ण को बहुत बुरा लगा। और कृष्ण बताने लग गए, ललिते बाद में मत बताइए कि मैं बहुत कंजूस हूं। तो ललिता देवी बताए कि बाद में क्या बताएं, अभी भी हम बता रहे हैं कि आप बहुत कंजूस हैं, कृपा देने में कंजूस हैं, राधा रानी की तरह नहीं है जो बिना पात्र देख के कृपा देते हैं, आप तो कृपा देखने में बहुत कंजूस हैं। रघुनाथ दास को स्वामी तात्पर्य में लिखते हैं, ललिता देवी तो बताते हैं कि आप तो कंजूस हैं, बाद में क्या बताना, आप तो कंजूस ही हैं। रघुनाथ दास को स्वामी लिखते हैं कि हाँ कृष्ण कंजूस हैं, कृष्ण पहले शरणागति चाहते हैं फिर कृपा देते हैं, पर राधा रानी बिना शरणागति का कृपा देते हैं। तो कृष्ण चले जाते हैं,
मैया के पास और बोलते हैं मैया 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 मेरे को कुछ मुक्ता चाहिए, मेरे को कुछ मुक्ता चाहिए। तो यशोदा महारानी पूछते हैं क्यों मुक्ता चाहिए लाला, क्यों मुक्ता चाहिए? ना मेरे को मुक्ता चाहिए क्योंकि मैं मुक्ताओं को बीज के रूप में उगाना चाहता हूं और उगा के पेड़ निकालना चाहता हूं। तो यशोदा माई सोचे लाला तुम क्या मेरे को परेशान कर रहा है या मेरा समय बर्बाद कर रहा है? मेरे को इतना सारा काम है, कौन बोला तुमको कि मुक्ता को उगाने से पेड़ निकलता है? तुमको क्या पता नहीं है इतना कि मुक्ता समुद्र से निकलता है? तो कृष्ण बताते नहीं मैया, ये जो हमारा ब्रजभूमि है, पौर्णमासी बताए हैं, ये ब्रजभूमि बहुत ही शक्तिशाली है, इसमें मुक्ता उग सकता है। तो यशोदा महारानी का इतना सारा घर का सेवा था, वो सोचे 10-15 ठो दे देते हैं, फिर ये लाला थोड़ा आज लेके चला जाएगा। यशोदा माई का जीवन का एक ही लक्ष्य था कि किस तरह कृष्ण को प्रसन्न करना। तो तुरंत 10-15 ठो या एक मुट्ठी भर माला मुक्ता यशोदा महारानी कृष्ण के हाथ में दे देते हैं और कृष्ण आनंदित होके चले जाते हैं। और जमुना के किनारे एक छोटा सा जगह देख के उसको खुद सारे सखाओं को बुला के खुद उसका रोपण करते हैं, मिट्टियों का खोदना चालू करते हैं और एक 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 मुक्ता डालते हैं। और सारे सखी लोग आ जाते हैं कि देखने के लिए क्या हो रहा है और सारे सखी लोग हंसने लगते हैं, पागल पागलों का साथी पागल, ऐसे ऐसे करके हंसने लगते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। और कृष्ण सारे सखाओं को बताते हैं कि मेरे ऊपर आपका विश्वास है कि नहीं, क्योंकि अपना फॉलोअर्स लोगों को तो वही बताना पड़ेगा क्योंकि वो डिस्करेज हो जाएंगे। तो सारे सखाओं लोग हाँ कृष्ण हम आपके साथ हैं। तो कृष्ण तुरंत जोर जोर से कार्य करने लगते हैं और कृष्ण तुरंत सुबल जी को बताते हैं, बुलाते हैं और जाइए आप सखियों के पास और उनके पास जाके पूछिए कि कुछ दूध मिल सकता है क्या, हमको सिंचन करना है मुक्ताओं के पेड़ में। तो जब कृष्ण के कहने में सुबल जाके पूछते हैं दूध के बारे में, तो तुरंत ललिता देवी पूछते हैं, बोलते हैं कि इतना जो शुभ कार्य कृष्ण ने, बहुत बहुमूल्य कार्य जो कृष्ण कर रहे हैं, उनकी बहुमूल्य कार्यों के लिए हमारा गायों का दूध फिट नहीं है। सच ए नोबल कॉज कृष्णा हैज टेकन चार्ज ऑफ इन दिस दीपावली। इस दीपावली में इतना सुनहरा कार्य के लिए हमारा दूध उतना भाग्यशाली नहीं है जो कृष्ण का ये सुनहरा कार्य में भागीदारी हो। क्यों ना आप कृष्ण को जाके बोलें कि जिस गायों के लिए वो माला बनाने के लिए इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, उन्हीं गायों का दूध अगर कृष्ण सिंचन करेंगे तो वो गाय भी कृत्य कृत्य हो जाएंगे और वो पेड़ भी कृत्य कृत्य हो जाएंगे और कृष्ण भी कृत्य कृत्य हो जाएंगे। ये सुन के ललिता देवी वापस भेज देते हैं सुबल जी को और तुरंत कृष्ण बताते हैं ठीक है। तो कृष्ण सारे अपने गायों को बुलाते हैं और गायों के दूध से अपने हाथों से माखन से सिंचन करते हैं। 3 दिन के बाद कृष्ण उछल उछल के मैया को बोलते हैं मैया मैया और इतना जोर से ब्रज में कृष्ण आवाज करते हैं कि चारे ब्रज में पूरा हाहाकार हो जाता है कि क्या हो गया क्या हो गया, मैया मैया मेरा मुक्ता का पेड़ उग गया, मेरा मुक्ता का पेड़ उग गया। यशोदा माई बोलते हैं क्या बच्चा क्या बोल रहा है? तो यशोदा माई कृष्ण के पीछे 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 जाते हैं और सारे ब्रजवासियों को कृष्ण इकट्ठा करता है और कुछ कुछ सखी लोग भी आते हैं देखने के लिए और सच में देखते हैं कि
पेड़ निकल गया है, कुछ 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 अंकुर निकल गया है, अंकुर समझते हैं, जर्मिनेट हो गया है। तो सारे सखी लोग पेड़ पकड़ के हंसने लगते हैं, द्वेष की कंटक वृक्ष उगा है कृष्ण के पेड़ में, क्योंकि कृष्ण हमारे मुक्ताओं से द्वेष करता है, इसीलिए ये मुक्ता पेड़ नहीं है, कांटों का पेड़ निकला है। तो ऐसे हंस हंस के चले जाते हैं, कांटों का पेड़ निकला और कृष्ण बोला है मुक्ता का पेड़ निकला, और सारे सखियों में ब्रॉडकास्ट हो जाता है जैसे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, अरे कांटों का पेड़ निकला, कांटों का पेड़ निकला, हंस हंस के सब जाते हैं। फिर कृष्ण कुछ बताते नहीं है, और उसके तीन चार दिन के बाद वो लता जब बड़े हो जाते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, हर लता को एक कदंब वृक्ष के साथ जोड़ देते हैं, और कदंब वृक्ष से जोड़ जोड़ के वो लता बहुत बड़ा हो जाता है। और देखते ही देखते और तीन चार दिन के बाद ब्रज में अपूर्व खुशबू फैल जाता है, सुगंध फैल जाता है, और सब ब्रजवासी सोचने लगते हैं ये सुगंध कहाँ से आ रहा है, ये सुगंध कहाँ से आ रहा है, ये सुगंध कहाँ से आ रहा है। फिर सारे ब्रजवासी यमुना किनारे कृष्ण की जो खेत है वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं पूरा खेत में मुक्ता भर गया है, और इतना खुशबू मार रहा है, और बहुत बड़ा बड़ा अलग अलग रंग का, सफेद नीला पीला हरा सब रंग का और खुशबूदार मुक्ता उग रहा है, और कृष्ण झूम झूम उठ के एक एक मुक्ता निकाल के अपने टोकरी में डाल रहे हैं, और सारे सखाओं लोग टोकरी में डाल रहे हैं, और मधुमंगल साइड में खेती के साइड में एक टोकरी के पास बैठ गया है, एक मुक्ता दस लड्डू, एक मुक्ता दस लड्डू, एक मुक्ता दस लड्डू, बेचने लगे दस लड्डू से एक मुक्ता। और कृष्ण बोले नहीं नहीं अभी बेचना नहीं है, अभी बेचना नहीं है, जब समय आएगा दस लड्डू क्या मैं तुमको एक मुक्ता का 1,00,000 लड्डू खिलाऊंगा। तो तुरंत मधुमंगल उसको, अभी बंद हो गया है दुकान, बाद में दुकान खोलेंगे कृष्ण के उपदेश के अनुसार, आदेश के अनुसार, तो तुरंत दुकान बंद कर देते हैं। और सारे सखी लोग देख के हैरान हो जाते हैं, सारे ब्रजवासी हैरान हो जाते हैं, और कृष्ण बोलते हैं कि देखा ये वृंदावन धाम की ब्रज की महिमा है। तो तुरंत सारे सखी लोग जाके ललिता देवी को बताते हैं, और ललिता देवी हैरान हो जाते हैं, राधा रानी हैरान हो जाते हैं, और ललिता देवी बोलते हैं मेरे को पता है ये कृष्ण कुछ जादूगर है, देखो ना गर्ग मुनि बताए थे छोटा जब 6 दिन का था ये कृष्ण पूतना को मार दिया, 7 दिन तक इतना बड़ा गोवर्धन पकड़ के रखा, हमारे सामने ये इतना बड़ा अरिष्टासुर को मारा और सारे देवियों को बुलाया, ये कुछ जादूगर है, इसको कुछ मंत्र वंत्र पता है। तो तुरंत बाकी सखियां लोग बताए, राधा रानी बताए, अरे बकवास है कुछ मंत्र पता नहीं। तो ललिता देवी पूछे तो कैसा है न तुंग विद्या सखी बताए, मेरे को पता है कि ये कृष्ण को कुछ नहीं आता है, ये तो ब्रज भूमि का ये महिमा है कि ब्रज का महिमा के वजह से होता है, और अगर मंत्र है ही हमारा क्या नंदीमुखी नहीं है जो पौर्णमासी की शिष्या है, नंदीमुखी ब्राह्मणी जैसे मधुमंगल ब्राह्मण सखा है, नदीमुखी ब्राह्मणी सखी है, नंदीमुखी हमारी सखी है और वो तो ब्राह्मणी है, वो तो पौर्णमासी की शिष्या है, उनसे जाके हम सारा मंत्र ले लेंगे, और सारा मंत्र लेके हम भी कृष्ण से बड़ा और सुनहरा और ज्यादा सुगंधित मुक्त का माला, मुक्त का पेड़ बनाएंगे। तो तुरंत सारे सखी लोग चले जाते हैं नंदीमुखी के पास, नंदीमुखी बोलते हैं कि ये कोई मंत्र का प्रभाव नहीं है, ये तो ब्रज भूमि का प्रभाव है, और आप ये मंत्र का प्रभाव से कृष्ण ने कुछ मुक्ता बना दिया उसके चलते कुछ नहीं हुआ है, ये तो ब्रज का महिमा है,
और आप भी मुक्ता घर से लेके आइए और कृष्ण दूध से सिंचन किए हैं, आप घी से सिंचन कीजिए, जरूर आपका भी मुक्ता बहुत बड़ा होगा, सुगंधित होगा और ज्यादा सुनहरा होगा। तो नंदी मुखी का आवाज सुन के और कॉन्फिडेंस भी बात होता है, आवाज से नहीं होता है। सखी saw that नंदीमुखी was so confident, और नंदीमुखी हिस्टोरी भी बताने लग गए, रेफरेंस टेस्टिमोनियल्स। नंदीमुखी बताए, मैं अपने गुरुदेव पौर्णमासी से सुना हूं कि ब्रज में केवल मुक्ता नहीं होता है, ब्रज में तो सोना भी उगता है, ब्रज में तो हीरा भी उगता है। और पौर्णमासी बताते हैं कि पहले जमाने में ब्रज में सोना और हीरा भी उगते थे। तो ये मुक्ता क्या चीज है, आप जरूर चले जाइए। और तुरंत सारे सखियां लोग अपने घर में चले जाते हैं, जितना भी घर में मुक्ता है सब कुछ ले लेते हैं और सारा अपना शरीर का भी मुक्ता निकाल देते हैं। सब मुक्ता को इकट्ठा करके कृष्ण ने जितने जमीन पे किए हैं उसका 3 गुना जमीन में रोपण करने लगते हैं और घी डाल के सिंचन करने लगते हैं। तो 4 दिन के बाद सारे सखियों के जो पिताजी हैं सब देखते हैं कि घर में दूध कम पड़ रहा है, घी कम पड़ रहा है, माखन डाइनिंग टेबल में मतलब खाने के समय दूध माखन बहुत कम है और आपके शरीर में पर्याप्त अलंकार नहीं है, सब कहाँ है। तो सारी उनकी पत्नियां बोले, ओ आपको पता नहीं हमारी बेटियां लोग इतने बुद्धिमान हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य करने में जुट गए हैं और सारे मुक्ताओं को रोपण करने में जुट गए हैं और सारे मुक्ता रोपण करके बहुत हम सब धनी हो जाएंगे। और आप जो छोटा छोटा अलंकार दिए उसका क्या, हमारा शरीर पूरा अलंकार से ढक जाएगा। बस कुछ दिनों की बात है और तो और कृष्ण का जमीन में ऑलरेडी मुक्ता उग गया है। जैसे ही सारे सखियों के पिताजी लोग सुनने लगे कि कृष्ण का पेड़ में उग गया है मुक्ता, बोले कृष्ण के चाल में मत फंसो आप सब, ध्यान में रहना। तो सारे सखियों के माताएं लोग बोलते, हाँ 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 हाँ, हमारी बेटियां तो कृष्ण से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, उनका कुछ नहीं हो सकता है। तो हस्बैंड तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, जब वाइफ बोलने लगते हैं तो हस्बैंड का क्या, ये हम शास्त्र में भी देखते हैं। तो ठीक है, वो अपना खाना खा लिए, जितना दूध दही माखन मिल रहा था उतना खा के वो चले गए अपने काम में। 7 दिन के बाद विशाखा देवी एक दिन ललिता देवी को बुलाती हैं और ध्यान से नजर मार के फुसफुसाते हैं, ललिते ललिते मेरे को लग रहा है कि हमारा जो अंकुर निकला है कृष्ण के अंकुर से कुछ अलग दिख रहा है। ललिता देवी बोले, मेरे को भी 2 दिन से वही लग रहा है पर मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं डर के मारे, क्योंकि हमारा शरीर का घर का जितना सारा मुक्ता डाल दिया है। तो तुरंत राधा रानी को बुलाया गया, राधा रानी निरीक्षण किए और राधा रानी जब निरीक्षण किए, हाय हाय हाय, राधा रानी चित्कार करने लगे और देखते ही देखते 2 दिन में पूरा जितना जगह में जितना खेती हुआ था सब जगह कांटों का वृक्ष निकलने लग गया। और उस कांटों के वृक्ष को छुपाने के लिए सारे गोपियों ने पहले फेंसिंग कर दिया, क्योंकि कृष्ण आके बताएंगे, पर फेंसिंग करने से क्या होगा, क्योंकि सारे माताएं लोग बोलने लगे, अरे 15 दिन हो गया, कहां है मुक्ता, कहां है मुक्ता, कृष्ण का मुक्ता तो। और कृष्ण 15 दिन के अंदर मुक्ताओं को सब जगह फैला दिए थे। कृष्ण का हर गायों में मुक्ता था, कृष्ण के हर
बंदरों के पास मुक्ता था, कृष्ण के हर सखाओं के पास मुक्ता का हार था, और तो और जितने सारे बंदर भैंस कोई भी जानवर है सब कृष्ण का मुक्ता पहन रहा था, पर सारे सखियां लोग बिना अलंकार के घूम रहे थे। और जब पिताजी परेशान होकर चित्कार करने लगे, हमको अपना मुक्ता चाहिए, हमको अपना मुक्ता चाहिए, तो सारे पिताजी का आवाज से डर के सारे सखी लोग ललिता देवी को पूछे, तो ललिता देवी बोलते हैं, ये नंदी मुखी ने सब गड़बड़ किया है, नंदी मुखी भी उनके साइड में। तो तुरंत सारे सखी लोग, 1 करोड़ सखी लोग, समझ रहे हैं नंदी मुखी का हालत क्या हो रहा होगा, जब 1 करोड़ सखी लोग नंदी मुखी के कुटीर के पास आते हैं और चिल्लाने लगते हैं, ललिता देवी नंदी मुखी आज मेरे को पता चला तुम कितना बड़ी ठग हो कि तुम उनके साथ हो और हमारे साथ रहने का ढोंग मचाती हो। मुखी परेशान होकर डर के मारे चली आती है और बोलती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो नंदी मुखी बताते हैं, ओ आप मेरे को, नंदी मुखी तुरंत ध्यान में बैठ जाते हैं और ध्यान में बैठ के नंदी मुखी बताते हैं, ओ आप जब मुक्ताओं को सिंचन किए थे आपने क्या रात में किसी को जगने के लिए और उसका निगरानी करने के लिए रखा था? ललिता देवी बोले, नहीं हमने तो देखा कृष्ण किसी को निगरानी नहीं कर रहे हैं, हमने देखा कृष्ण दूध डाल रहे हैं और हमने माखन डाला और घी डाला और कृष्ण तो किसी का निगरानी नहीं कर रहे हैं, तो हमने भी निगरानी नहीं किया। यही हुआ है, नंदी मुखी बताने लग गई कि कृष्ण ने उस मोटू पेटू मधुमंगल को लगाया है और मधुमंगल को बहुत सारा दूध दही और लड्डू का लोभ दिखा के रात भर उसको खटाया है और हर अंकुर आपका निकाल के कृष्ण ने अपने खेती में लगाया है और अपने खेती से कांटों का वृक्ष फिर से आपके खेती में लगा दिया है। ललिता देवी बोले, तो सारे सखियां लोग धैर्यशील ही हो गए कि उनको तो पता नहीं था और चिल्लाने लगते, नंदी मुखी तुमको अगर ये सब पता था तुम बता के नहीं रही थी? नंदी मुखी बोले, मेरे डर के मारे बता नहीं रहे। तो ललिता देवी और सारे सखी लोग गुस्सा होके चले गए, फिर बातचीत करने लगे कि किस तरह अभी एक ही उपाय है, कृष्ण के पास जाके उनसे भीख मांगना। तो ललिता देवी पूछे, कौन जाएगा कृष्ण के पास? तो ललिता देवी बोलते हैं, चंद्रमुखी को भेजते हैं। ये चंद्रमुखी सखी बहुत बुद्धिमान है और बुद्धिमती है और ये जब जाएगा तो अच्छा हो पाएगा। तो चंद्रमुखी बोलते हैं, बाबा मैं कृष्ण के पास अकेले नहीं जाऊंगी, वो बाप रे। तो फिर चंद्रमुखी और कंचन लता सखी दोनों जाते हैं बार्गेनिंग करने के लिए, और जैसे ही बार्गेनिंग करने जाते हैं कृष्ण एक पेड़ के ऊपर बैठे रहते हैं और सुबल जी एक बड़ा सा टर्बन पहन लेते हैं और जैसे एक मुंशी लोग रहते हैं ना ऐसे बैठ जाते हैं और वो करते हैं, और मधुमंगल भी साइड में बैठा है। तो कृष्ण ऊपर बैठे हैं और चंद्रमुखी आके सुबल जी को बताते हैं कि हमको कुछ मुक्ता चाहिए, हमको कुछ मुक्ता चाहिए। तो कृष्ण ऊपर से बताते हैं, ये सखियों को मुक्ता चाहिए, मैं जब मेरी 2 गायों के लिए मुक्ता मांग रहा था ये सखी लोग नहीं दिए, और फिर जब मैं मुक्ता का रोपण किया ये सखी लोग दूध नहीं दिए, अभी उनको मुक्ता चाहिए, मैं सारे मेरे बंदरों को मुक्ता पहनाऊंगा, पर ये बंदर से भी बदतर सखियों को कभी मुक्ता नहीं दूंगा, सुबल ये बता दो। तो चंद्रमुखी ये सुन के बहुत उनको बुरा लगा और कंचनलता को बोले कि मैं बोल रहा था मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूं, नहीं जाना चाहता हूं। फिर चंद्रमुखी सुबल जी को बताते हैं, आप थोड़ा बताइए हमको कुछ, क्योंकि हमारे घर में बहुत परेशानी हो गया, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, हमको हर दिन गाली सुनना पड़ता है और सब डिमांड कर रहे हैं हमको मुक्ता चाहिए। तो कृष्ण बताए कि जाके बताइए कि अगर राधा रानी आते हैं तब मैं मुक्ता देने का सोच सकता हूँ।
तो चंद्रमुखी और कंचन लता चले जाते हैं। फिर श्रीमती राधा रानी मना करते हैं और रघुनाथ दास को स्वामी लिखते हैं। फिर से राधा रानी कुछ सखियों को भेजते हैं, फिर कृष्ण उनको परेशान करके वापस भेज देते हैं। इसलिए इस तरह 5-6 बार राधा रानी और बाकी सखियों को भेजते हैं। फिर पूरा परेशान होके, कृष्ण से पूरा परास्त होके, अपना पूरा अहंकार चूरमार होके कृष्ण उनको फिर से माल्यहरण कुंड, जहाँ पे वो माला बना रहे थे, वहाँ पे भेज देते हैं। और सारे सखियाँ लोग रोने लगते हैं, क्योंकि घर जाएंगे तो फिर कैसे मुंह दिखाएंगे। कांटा का पेड़ उड़ गया, और कांटा का पेड़ निकाल लें तो मुक्ता भी अवेलेबल नहीं, कहाँ गायब हो गया। तो कृष्ण तुरंत फिर अपने खुद अपने हाथों से मुक्ता का माला बनाते हैं अपने मुक्ता से, और सोने के डिब्बे में मुक्ता को रखते हैं, और सोने के डिब्बे में अपने नाखून से एचिंग पता है, स्क्रैच करके सुंदर तरीके से नाम लिखते हैं, ललिता राधा तुंग विद्या, और भर के एक बैलगाड़ी भर के राधा कुंड के पास पहुंचा देते हैं। और बाद में बहुत सारा मुक्ता भी भेज देते हैं। तो इस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी ये मुक्त चरित्र में भगवान किस तरह मुक्ता उगाए थे उस लीला के बारे में वर्णन करते हैं। तो ये माल्यहरण कुंड इस लीला का स्मारक है। लीला का स्मारक के तरह इस माल्यहरण कुंड के पास ये लीला हुआ था। राधा कुंड और माल्यहरण कुंड के परिक्रमा करते हुए हम जब आगे आते हैं, और कुछ 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद कुसुम सरोवर आता है। ये कुसुम सरोवर, पहले इनका नाम था सुमन सरोवर। सुमन मतलब फूल, पर सुमन इतना जाना पहचाना शब्द नहीं है। कालक्रम में ये सुमन सरोवर मतलब फूलों का सरोवर और कुसुम सरोवर हो गया। ये एक सुंदर सा, सबसे सुंदर और ऐतिहासिक जगह है गोवर्धन के पास। कुसुम सरोवर नाम कुसुम से है, तो इधर श्रीमती राधा रानी और सारे सखियां लोग फूल तोड़ने आते थे, और ये सारा जगह कुसुम सरोवर में कुसुम वन है, जहाँ पे बहुत सारे फूल उगते थे, और श्रीमती राधा रानी और सारे सखियाँ लोग फूल तोड़ते थे, और फूल तोड़ने के बाद मध्याह्न में सुबह सुबह आते थे, फूल तोड़ते थे, और मध्याह्न के समय चले जाते थे राधा कुंड के पास माला बना के कृष्ण का अपेक्षा करते थे, क्योंकि राधा कुंड मध्याह्नकालीन लीला का स्थली था। और एक दिन जब श्रीमती राधा रानी फूल तोड़ने आए थे कुसुम सरोवर के पास, एक श्रीमती राधा रानी बहुत सारे फूल तोड़ रहे थे, तो कृष्ण बहुत दूर से देख रहे थे, और एक फूल बहुत सुंदर था पर थोड़ा ऊंचा था, और श्रीमती राधा रानी का हाथ नहीं जा रहा था, और श्रीमती राधा रानी जंप मार के उसका निकाल रहे थे कि बहुत सुंदर फूल है। तो फिर हाथ में नहीं आया, तो श्रीमती राधा रानी अलग अलग फूल को तोड़ने लग गए, और फिर कुछ समय के बाद देखे कि वही फूल नीचे आ गया है। श्रीमती राधा रानी बोले, हाँ अपने आप नीचे कैसे आ गया? तो श्रीमती राधा रानी फिर से वो फूल, जो सुंदर फूल को पकड़ने का कोशिश किए, फिर से वो फूल थोड़ा ऊंचा चला गया। अरे ये फूल ऊपर नीचे कैसे हो रहा है? तो तुरंत बाएं हाथ से श्रीमती राधा रानी जंप मार के उसका डाली को पकड़ लिए और फूल तोड़ने का कोशिश की, और जैसे ही डाली पकड़ के फूल तोड़ने का कोशिश किए, कृष्ण जो डाली को नीचे कर रहे थे अपना पैर को हटा दिए और डाली ऊपर उठ गया, और डाली के साथ श्रीमती राधा रानी भी ऊपर उठ के और चित्कार करने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, और कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे। कृष्ण नीचे आ गए, कौन किया ये? शायद कोई असुर आ गया ब्रज में जो ऐसे कर लिए। तो ललिता देवी बोले कि कौन बचाएगा, कौन बचाएगा?
तो कृष्ण बोले कौन बचाएगा अभी, कैसे होगा? तो तुरंत फिर ललिता देवी कृष्ण का पैर पड़ते हैं और कृष्ण फिर श्रीमती राधा रानी को बचाते हैं। तो ये लीला भी कुसुम सरोवर के पास हुआ है। और हमने सुना था कि किस तरह उद्धव कुंड का लीला जब हम सुने थे कि उद्धव जी भी आके इधर तपस्या किए थे और उद्धव जी ने इस जगह में उद्धव जी का मंदिर है। नारद मुनि ने कुसुम सरोवर के पास सारे पत्नियों को, भगवान की जो पत्नियों को बोल इधर आके नाम संकीर्तन करने के लिए बोले थे और नाम संकीर्तन के बाद उद्धव जी उनको भागवत कथा किए थे, ये हमने कथा सुना था। एक बार नारद मुनि ब्रज आए थे और जब नारद मुनि ब्रज आए थे, कृष्ण नारद मुनि को बताए कि नारद मुनि मैं इतना आनंदित हूँ कि आप ब्रज में आए, इतना आनंदित हूँ, आप इधर ही रहिए, भक्ति कीजिए, आपको देख के मेरे को बहुत आनंद मिलता है। तो नारद मुनि बोलते हैं कृष्ण को कि आपको क्या पता नहीं मेरे को श्राप मिला है कि मैं कोई भी जगह में 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता हूँ। भागवत में कथा आता है कि नारद मुनि को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था क्योंकि नारद मुनि दक्ष प्रजापति के 10,000 लड़के थे और ये 10,000 जो बेटे थे दक्ष प्रजापति के, दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि आप प्रजा सृष्टि कीजिए और पूरा ब्रह्मांड में प्रजाओं से भर दीजिए। सृष्टि करना है, ब्रह्मा जी कितना सृष्टि कर पाएंगे? ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे तो उनका जप खत्म नहीं हो रहा था 16 माला, तो सोचे कि अकेला नहीं कर सकते हैं, अभी टीम वर्क चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को उत्पन्न करके उनको आशीर्वाद किया कि अभी आप सृष्टि कीजिए, मैं अच्छे से माला करूंगा। तो ब्रह्मा जी अपना सेवा करते थे भगवान का और दक्ष प्रजापति सृष्टि करने लगे और पहला सृष्टि दक्ष प्रजापति का था 10,000 बेटा। समझ रहे हैं, एक बेटा को संभालते संभालते कलयुग में परेशानी हो जाता है, कितने मेरे को कॉल आता है कि प्रभु जी बेटा इतना परेशान कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, पर दक्ष प्रजापति 10,000 बेटे उत्पन्न किए और सारे बेटों को बताए कि आपको अगर मेरे पद कमल में चलना है और प्रजा उत्पन्न करना है और सृष्टि को आगे बढ़ाना है, ब्रह्मा जी का आदेश पालन करना है, आपको जाके तपस्या करना पड़ेगा। तो सारे 10,000 बेटे, भागवत में आता है, सारे 10,000 बेटे तपस्या करने के लिए चले गए और जब तपस्या करने के लिए चले गए, नारद मुनि से मिले। नारद मुनि बोले कि आप क्या करने वाले हैं, क्या आए हैं? ना हम अपने पिता के आदेश अनुसार इधर आए हैं तपस्या करने के लिए, और तपस्या करके क्या होगा? नारद मुनि बोले तपस्या करके हम वापस चले जाएंगे, राज्यकाल संभालेंगे, शादी कर लेंगे, फिर पिता को सृष्टि उत्पन्न करने में सहायक करेंगे और बहुत सारा सृष्टि प्रजा उत्पन्न करेंगे। नारद मुनि बोले नहीं, गृहस्थ जीवन बहुत, सांसारिक जीवन में फंसो मत, देखो मैं आनंद हूं ना, आनंद में हूं ना, दान दिखा रहा हूं ना, हम सारे बच्चे थे, छोटे बट्टे बेटे सब थे ना, आप बहुत आनंदित हैं, तो मैं क्यों आनंदित हूं? क्योंकि मैं शादी नहीं किया। तो सारे छोटे बालक थे, नारद मुनि बोले कि संसार में प्रवेश करना बहुत कठिन है, जीवन का लक्ष्य क्या है? तो बच्चे बोले कि पिताजी से हमने सुना था कि जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। तो नारद मुनि बताया कि अगर भगवान की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, काहे तुम फिर फंस जा रहे हो, मेरी तरह घूमते रहो, मैं आपको क्लास दूंगा, अलग अलग जगह पे जाके भ्रमण करना, तीर्थ यात्रा करना, जीवन का लक्ष्य ऐसे ही पूर्ण हो जाएगा। और नारद मुनि फिर अच्छे से उनको समझाए, सब कुछ समझाए और समझने के बाद 10,000 शिष्य नारद मुनि बनाए और सबको सन्यासी बना दिए और सब चले गए। और दक्ष इधर वेट कर रहे हैं,
कोई आ ही नहीं रहा है मेरे बेटे लोग, क्या हुए, तपस्या इतना कर रहे, इतना भक्ति हो गए। और दक्ष ध्यान मग्न होके उनको पता चला कि नारद मुनि अब उनके 10,000 शिष्यों को सन्यासी बना दिए। दक्ष इतना गुस्सा हो गए, पर नारद मुनि है उनको कुछ बताया नहीं जा सकता है। दक्ष फिर और 1,000 शिष्य उत्पन्न किए, 1,000 और बेटे। तो 1,000 और बेटे जब उत्पन्न हुए, दक्ष उनको आदेश दिए कि आप सब तुरंत जंगल चले जाइए, तपस्या कीजिए और जल्दी से वापस आ जाइए। आके फिर ब्रह्मा जी का आदेश है, संसार को आगे बढ़ाना है, सृष्टि आगे बढ़ाना है, प्रजा उत्पन्न करना है। तो सारे 1,000 बेटे बताए कि जैसे आज्ञा पिताश्री। और तुरंत दक्ष प्रजापति बताने लग गए कि उधर आपको अगर नारद मुनि मिलते हैं उनका बात मत मानिए। तो चले गए 1,000 बेटे, चले गए तो 1,000 बेटे जाने, तो नारद मुनि फिर से आ गए। तो नारद मुनि बताने लगे कहाँ जा रहे हैं, तो बोले हम पिताजी के आदेश से हम आए हैं, इधर तपस्या करेंगे, वापस जाएंगे, प्रजा उत्पन्न करेंगे, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे और सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। तो नारद मुनि बताए कि आप कौन हैं, तो बताए हम प्रजापति दक्ष के पुत्र हैं और हमको बताया गया है कि नारद मुनि अगर मिलते हैं उनका बात बिल्कुल नहीं मानना है। तो नारद मुनि बताते हैं कि नारद मुनि का बात मत मानिए, पर आपको क्या पता है कि आपसे पहले आपके बड़े भाई 10,000 जो बेटे थे वो कहाँ गए? नहीं, पिताजी ने तो कभी बताया नहीं, वो सब सन्यास ले लिए क्योंकि जीवन का लक्ष्य पूर्ण करने लिए। और नारद मुनि बताते हैं कि एक छोटे भाई का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है बड़ा भाई का चरण को फॉलो करना। देखिए लक्ष्मण जी कैसे राम जी को फॉलो किए, शत्रुघ्न जी कैसे भरत जी को फॉलो किए, इस तरह बड़े भाई को फॉलो करने का बहुत बड़ा उपदेश देके सारे ये 1,000 लोगों को भी शिष्य बना के संन्यास दिलवा देते हैं। तो दक्ष प्रजापति इतना गुस्सा हो जाते हैं, इतना गुस्सा हो जाते हैं। फिर नारद मुनि को पता है कि दक्ष उनसे गुस्सा है, तो नारद मुनि उनके पास पहुंच जाते हैं दक्ष प्रजापति के प्रसाद में। और दक्ष प्रजापति तुरंत नारद मुनि को श्राप देते हैं कि आपने मेरे सेवा में बाधा प्राप्त किया, मैं आपको श्रापित करता हूं कि आप कोई भी जगह पे 3 दिन से ज्यादा रुक नहीं सकते, आपको हर वक्त भ्रमण करना पड़ेगा। आप इतना घमंडी होंगे कि बहुत बड़े सन्यासी हैं, सन्यासी का काम है कहीं पे रहने नहीं रह सकते हैं, तो आपको घूमना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा। नारद मुनि का पास इतना शक्ति था कि दक्ष प्रजापति को शापित कर सकते थे, पर नारद मुनि को लगा बहुत ही अच्छा है, अलग अलग जगह घूम घूम के मैं प्रचार करूंगा और नारायण का गुणगान करूंगा। और उसके बाद दक्ष प्रजापति बेटा उत्पन्न नहीं करके बेटियां उत्पन्न करने लगे। तो नारद मुनि बताने लग गए कृष्ण को, आपको क्या पता नहीं दक्ष ने मेरे को श्राप दिया। कृष्ण बताई वो श्राप तो भौतिक जगत में लागू होता है, पर मेरा ब्रजधाम तो आध्यात्मिक जगत है, आप इधर बिना कुछ क्लेश के, बिना कुछ परेशानियां के इधर रहिए, भक्ति कीजिए, जप कीजिए। तो नारद मुनि बहुत आनंदित हो जाते हैं और उधर बैठ के नारदी कुंड है, कुसुम सरोवर रस्ते की इस पार है, परिक्रमा मार्ग के इस पार है, उस पार नारदी कुंड है। और नारदी कुंड के पास नारद मुनि अलग अलग बहुत सारे किताबें रचना करते हैं भक्ति के ऊपर, भगवान की लीलाओं के ऊपर। एक दिन ललिता देवी और बृंदी देवी नारद मुनि से मिलने आते हैं, सबको पता चल जाए कि नारद मुनि ब्रज में है, नारद मुनि ब्रज में है। तो ललिता देवी, बृंदी देवी, नारद मुनि तुरंत दंडवत करते हैं और नारद मुनि बचाते हैं कि मेरा बहुत सौभाग्य है, मैं कृष्ण का दर्शन किया, ब्रज का दर्शन किया, श्रीमती राधा रानी का दर्शन किया। पर ललिता देवी बोलते हैं कि आपने कुछ भी दर्शन नहीं किया है, क्योंकि ब्रज का सबसे महत्वपूर्ण सुनहरा दर्शन है रासलीला दर्शन, पर आपने क्या रासलीला का दर्शन किया है? कि मैंने तो नहीं किया है, पर मैं करना चाहता हूं। तो ललिता देवी बोले इस तरह तो आप
इस अवस्था में तो नहीं जा सकते हैं रासलीला में, पर मैं एक उपाय बताता हूं। और तुरंत ललिता देवी और बृंदे देवी उनको कुसुम सरोवर के पास ले के एक जगह नारद मुनि को डुबकी लगवा देते हैं। और जब नारद मुनि उठते हैं, देखते हैं उनका शरीर बदल गया और वो लड़की हो गई और उनका नाम हुआ नारदी गोपी। और नारद मुनि को नारदी गोपी को लेके जाते हैं और सारा रास लीला रास स्थली दिखाते हैं, निधुमन दिखाते हैं, भ्रमण करवाते हैं। और फिर नारद मुनि वापस आ जाते हैं तो ललिता देवी को बोलते हैं, मैं इस अवस्था में रहना नहीं चाहता हूँ, कभी कभी प्रचार में जाऊँगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो तुरंत ललिता देवी हंस के कुसुम सरोवर के और एक पार में उनको डुबकी लगा के फिर से नारद मुनि हो जाते हैं। और नारद मुनि फिर से नारायण नारायण करके सारे ब्रह्मांड में वृंदावन का गुणगान वीणा बजा के करते हैं। तो ये लीला भी ये कुसुम सरोवर नारदी कुंड के पास हुआ था। कुसुम सरोवर में एक जगह रत्न सिंहासन भी है। रत्न सिंहासन के पास एक बार कृष्ण अपने बसंतकालीन रासलीला कर रहे थे तो एक असुर आया था शंखचूड़ नाम का। ये सुर शंखचूड़ रात में आया था और उसके चूड़ा के ऊपर शंख रूपी एक बहुत सुंदर बहुमूल्य पत्थर जैसे था जो चकचक चकचक कर रहा था। तो शंखचूड़ आके परेशान करने लग गया तो कृष्ण उस शंखचूड़ को मार के उसका मणि को हटा के बलराम जी को दिए थे उपहार के तौर पे। तो ये शंखचूड़ का लीला भी इधर ही रत्न सिंहासन में कुसुम सरोवर के पास हुआ था। तो कुसुम सरोवर के पास हमारा मानसिक गोवर्धन परिक्रमा समाप्त होता है। कुसुम सरोवर से और बस 1.5 किलोमीटर दूर हरिदेव और चकलेश्वर महादेव आ जाते हैं, जिनका कथा सुन के और मानसी गंगा में डुबकी लगा के हमने मानसिक गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ किया था आज से 10 दिन पहले। वृंदावन धाम एक स्थान है और वृंदावन धाम ब्रज एक चेतना भी है। वृंदावन इज ऑल्सो ए प्लेस, वृंदावन इज ऑल्सो ए कॉन्सियसनेस, एक चेतना। जब तक हमारा हृदय में ब्रज की चेतना जागृत नहीं होगा तब तक हम ब्रज में प्रवेश करने का मौका हमको नहीं मिलेगा। जिस तरह एक देश में प्रवेश करने से पहले इमिग्रेशन वाले वीजा चेक करते हैं और उस वीजा को हमको प्राप्त करना पड़ता है, और हमारे एक प्रभु जी बता रहे थे कि वीजा मतलब वेरी इंटेंस सर्विस एटीट्यूड, बहुत तीव्र सेवा भाव। तो उसी तरह ब्रज का जो चेतना है, ब्रज में प्रवेश करने का वीजा है। और जब तक ये ब्रज की चेतना हमारे हृदय में जागृत नहीं होगा, सेवा भाव का जागृत नहीं होगा, नम्र भाव जागृत नहीं होगा, वैष्णवों को सम्मान करने का जागृत नहीं होगा, उस वीजा जब तक चेक नहीं होगा और मिलेगा नहीं हमको, तब तक हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। बंदर की तरह वृंदावन में प्रवेश करने का कोशिश करने से हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। टिकट खरीद के वृंदावन में प्रवेश करने से हम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमको ब्रज की चेतना को जागृत करना पड़ेगा। और ब्रज की चेतना है त्रिणादपि सुनी चेना, तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेना, कीर्तनीय सदाहरि। एक तृण के समान नम्र, एक तरु के समान सहिष्णु, और दूसरों को सम्मान देना और खुद का सम्मान की उपेक्षा ना रखना। और इस भावना से जब हम भगवान का नाम लेंगे, इस भावना से जब हम भगवान का सेवा करेंगे, वैष्णवों का सेवा करेंगे, तब हमारे हृदय में श्रीमती राधा रानी कृपा करके
ब्रज की चेतना जागृत करवाएंगे और ब्रज को प्रवेश करने में वीजा हमको प्राप्त होगा। और जब तक हमारे हृदय में अहंकार रहेगा, जब तक हमारे हृदय में मैं कैसे, हर व्यक्ति इस दुनिया में अपने अहंकार को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानता है। एवरीवन कंसिडर्स एंड मेक्स हिज ईगो एज हिज सेंटर ऑफ हिज लाइफ। मैं कैसे आनंदित होऊंगा, मैं को मेरे को कैसे लोग सेवा करेंगे, मेरे को क्यों वो सम्मान नहीं दिया, मैं कैसे सब कुछ भोग करूंगा। तो ये मैं जो है, अहंकार जो है, ये हम अपना जीवन का केंद्र बिंदु बनाए हैं। और जब तक हमारे जीवन का केंद्र बिंदु में हमारा अहंकार और मैं रहेगा, तब तक हम ब्रज की चेतना हमारे हृदय में जागृत नहीं होगा। क्योंकि ब्रज की चेतना मतलब कृष्ण सारे जीवन का ब्रज का केंद्र बिंदु है। ब्रज का मतलब है ब्रजंती इति ब्रज, जो कृष्ण के आनंद के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो अलग अलग तरीके से ब्रजवासी सेवा करते हैं वो है ब्रज। वेयर एवरीथिंग मूव्स विथ द डिजायर ऑफ कृष्णा and everything moves for the pleasure of Krishna, that is braja. Braja means one which moves. तो ये वृंदावन धाम ब्रज है। और जब तक हमारे हृदय में ये चेतना जागृत नहीं होगा, वृंदावन की चेतना जागृत नहीं होगा, तो हम ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हम मानसिक गोवर्धन परिक्रमा समाप्त करके हमारा यही प्रार्थना होना चाहिए श्रीमती राधा ने से कि किस तरह मैं दास 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 दासों के दास बन पाऊं। और जब तक हम दास दास दासों के दास नहीं बन पाएंगे, और जब तक हमारे हृदय में जागृत नहीं होगा ये चेतना, ब्रज में प्रवेश करने का हमको वीजा नहीं मिलेगा। और ये चेतना को जागृत करने का एक ही उपाय है, वैष्णव के संग में भागवत श्रवण, भागवत पठन। जब हम वैष्णव के संग में भगवान का नाम लेते हैं, तब हमारे हृदय में ये चेतना दास दास दासानुदास नम्रता का चेतना जागृत होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग का युग धर्म कीर्तन नहीं बताए, कलयुग का युग धर्म क्या है? संकीर्तन। संग कीर्तन इति संकीर्तन, संग में जब हम कीर्तन करते हैं वो कलयुग का धर्म है। कलयुग का धर्म कीर्तन नहीं है। अकेले में बैठ के एक जगह हम कीर्तन करेंगे वो कलयुग का धर्म नहीं है। कलयुग का युग धर्म है कलौ तद हरि संकीर्तनम, भागवत में आता है। कृते यध्यायतो विष्णु द्वापरे परिचारायं, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेताया यजतो मखा द्वापरे परिचारायं कलौ तद हरि कीर्तनम। कलयुग का है हरि कीर्तन, संकीर्तन, संग में कीर्तन। और संगे शक्ति कलयुग में, कलयुग में संग में शक्ति है। संग में अगर हम कीर्तन करेंगे तो कलयुग का युग धर्म पालन करेंगे तो भगवान के प्रति हमारा रुचि जागृत होगा और ये चेतना ब्रज में प्रवेश करने का चेतना भी जागृत होगा। वैष्णव का संग सबसे सुनहरा और सबसे अनोखा उपहार है जो हमको मिल सकता है। द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज द मोस्ट प्राइसलेस गिफ्ट दैट वी कैन ऑब्टेन इन आवर लाइफ। क्योंकि ब्रज संकीर्तन है, ब्रज में कोई अकेला सेवा नहीं करता है, मैं और मेरा कृष्ण
और कृष्ण का सेवा, इस तरह ब्रज में कोई नहीं रहता है जो अकेले में एक कोने में क्या कर रहा है, मैं कृष्ण का सेवा कर रहा हूँ, और क्या कर रहा है, मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ अकेले में। ब्रज मतलब संकीर्तन, जहाँ पे हर व्यक्ति एक साथ भगवान का गुणगान करना चाहता है, एक साथ भगवान का सेवा करना चाहता है, एक साथ भगवान को परेशान करना चाहता है, एक साथ भगवान के साथ खेलना चाहते हैं। ब्रज मीन्स ए कम्युनिटी वेर एवरीवन इज यूनाइटेड फॉर ए सिंगल पर्पस टू गिव प्लेजर टू कृष्णा, भगवान को आनंद देना। और इस चेतना को when we try to cultivate this consciousness of to be always together with devotees, in association of devotees, and practice bhakti very seriously in association of devotees, then definitely at the end of life Sri Chaitanya Mahaprabhu will bless us with this consciousness of Vrindavan. एक बार श्रील प्रभुपाद जी को एक शिष्य पूछे कि श्रील प्रभुपाद, मैं अकेले में भक्ति करना चाहता हूं, और श्रील प्रभुपाद बताए कि anyone who wants to do devotional service without association, that is simply hallucination, ये भ्रम है। कोई अगर बोलता है कि मैं भक्ति करना चाहता हूं बिना संघ का, वैष्णव का संग का, he is in great illusion, भ्रम में है वो। भक्ति वैष्णव के संग में ही हो सकता है, और जब हम वैष्णव के संग में एकजुट होके भागवत का श्रवण करेंगे, भागवत का पठन करेंगे, एकजुट होके भगवान का कथा करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में बोलेंगे, तब वही समय, उसी समय हम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। तो वृंदावन में प्रवेश करने का सबसे आसान तरीका है, वैष्णवों के संग में भगवान का गुणगान कीजिए, वैष्णवों के संग में भगवान का गुणगान सुनिए। और इसीलिए हमने श्रीमद् भागवत क्लास का प्रारंभ किया है, कि श्रीमद् भागवतम क्लास में हम अलग अलग भक्तों को अनुरोध करते हैं कि आप बातचीत कीजिए परस्पर में भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की कथाओं के बारे में। और जितना हम वैष्णव लोग परस्पर में भगवान की कथा और लीलाओं के बारे में और एकजुट होकर सेवा करेंगे, अलग अलग त्यौहार मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, बलराम जयंती, गौर पूर्णिमा, जब हम एकजुट, रामनवमी, जब एकजुट होके वैष्णव लोग उत्सव करते हैं और उत्सव में संकीर्तन करते हैं, भगवान का कथा करते हैं, और एक साथ जब सेवा करते हैं, उस एकजुट होके सेवा करने से ब्रज की चेतना जागृत होता है हमारे हृदय में। If we really want to awaken this consciousness of Vrindavan in our heart, then we have to make sure to be always together, united. And जब हम एकत्रित होके भगवान का सेवा करेंगे, उस एकत्रित होने से ही भगवान हमारे हृदय में, श्रीमती राधा रानी हमारे हृदय में वृंदावन की चेतना जागृत करेंगे। तो Vrindavan is not about I. Vrindavan is about we. So we can go to Vrindavan. We can enter Vrindavan Dham when we shift our consciousness from I to we. Mera se hamara. Aur jab hum ye chetna ko jagrat karenge ki mere ko achha lage ya na lage, हमारा परिवार को अच्छा लगे, ये मेरा वैष्णवों का परिवार है, हमारा परिवार है। और जब हम ये वैष्णव परिवार को प्रेम करने लग जाएंगे,
और मैं को बाहर छोड़ के हमारा परिवार को केंद्र रख के कृष्ण को प्रसन्न करने का कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, तो ब्रज जरूर हम इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। सो वृंदावन इज टेकिंग आई आउट एंड पुटिंग वी इन। वी आर द डिवोटीज ऑफ कृष्ण, एंड इफ यू सिंपली रिमेन यूनाइटेड एंड इन यूनाइटेड वे वी आर सर्विंग कृष्णा, पुटिंग कृष्णा इन द सेंटर, भगवान को केंद्र करके एकत्रित होकर अगर हम सेवा करेंगे और उस सेवा से प्रसन्न होकर श्रीमती राधा रानी हमारे हृदय में ब्रज की चेतना जागृत कराएंगे और ब्रज का हमारा जो पासपोर्ट है उसमें स्टैंप कर देंगे, और श्रीमती राधा रानी का स्टैंप से कोई इमिग्रेशन ऑथोरिटी आपको छुएगा भी नहीं। वो यमराज हो, दुर्गा देवी हो, कोई भी हो, सब उस स्टैम्प को दंडवत करेंगे और आपको आगे भेज देंगे। तो आप सब क्या उस स्टैम्प को प्राप्त करना चाहेंगे? जोर से बोलिए। तो हम सब अगर ये स्टैम्प को, श्रीमती राधा रानी का चेतना स्टैम्प को प्राप्त करना चाहेंगे तो हमको एकत्रित रहना है और एकत्रित होके भगवान का गुणगान, सेवा और उत्सव करना है। कृष्ण कॉन्शियसनेस वृंदावन इज अबाउट वी, नॉट आई। हमने कभी कोई भी लीला मानसिक गोवर्धन परिक्रमा में सुना जहां पे अकेले कृष्ण और एक जन के साथ लीला कर रहे हैं? कभी नहीं सुना। Everywhere there are sakhas and sakhis and there is wonderful fun where everyone is united to increase the fun of Krishna. Madhumangal behaves like a fool to increase the fun of Krishna. Lalita Devi becomes very angry to increase the fun of Krishna. Srimati Radharani goes into moroseness and does man to increase the fun of pleasure of Krishna. Yasoda Maharani becomes overly concerned to increase the fun of Krishna and pleasure of Krishna. And everyone is together where even the fights and quarrels are have the only one purpose is to increase the pleasure and fun of Krishna. Where everyone is together, how can someone be together and fight? वृंदावन इज एवरीवन इज टुगेदर, सब कोई एक साथ है बट झगड़ा कर रहे हैं। दिस इज ओनली पॉसिबल इन वृंदावन। इस दुनिया में हम देखते हैं कोई अगर झगड़ा कर रहे हैं तो वो अलग हो जाते हैं, पर वृंदावन में एक साथ होके, एक साथ रख के झगड़ा करते हैं। पर एवरीडे कृष्णा विल बी फाइटिंग विद द गोपीज, Sakhas will be fighting with the gopis and the gopis will be shouting at Madhumangal. Everyone is fighting, shouting, cursing and counter-cursing, and everyone is together for the pleasure of Krishna. So, ye chetana hamare hruday mein humko jagrit karna. Ki we are all together, the family of Vaishnavas. और यही दासोस्मी फैमिली का सूत्रधार है। दासोस्मी, we are servants. अस्मी मतलब मैं, दास मेरा एक ही अस्तित्व है मेरे परिवार में, मैं दास हूं, दासों के दास हूं। और ये दास भाव, दासत्व भाव, दास के दास बनने का जो भाव और चेतना है, ये वृंदावन की सुर कहलाता है, रिदम कहलाता है। दैट इज व्हाई वी हैव द टैग लाइन ऑफ आर फैमिली एज द रिदम ऑफ वृंदावन। ब्रज की सुर है ये। जिस तरह कभी भी आपको कुछ कीर्तन चल रहा है, मानो कोई कुछ कहाँ पे कीर्तन चल रहा है जोर से, कोई करताल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है और आपको भी करताल बजाने का इच्छा हुआ, तो
तो आप क्या करेंगे, पहले आपको सुर और ताल और धुन पकड़ना पड़ेगा, तब आप करताल बजा सकते हैं, नहीं तो बेसुरा हो जाएगा, बेताल हो जाएगा, भगा देंगे आपको। तो उसी तरह ब्रज में बहुत बहुत अच्छा अच्छा लीला चल रहा है, यानी कि हम इधर भगवत धाम छोड़ के भौतिक जगत में आ गए तो ब्रज का लीला बंद हो गया। ओ कृष्ण बैठे हुए, श्री निताय दास चला गया, ओ हो क्या करें, थोड़ा ललिता आज मूड नहीं बन रहा है, लीला नहीं करेंगे, श्री निताय दास नहीं, ओहो ऐसे नहीं है। वृंदावन में, ब्रज में, गोलक वृंदावन में अभी भी नित्य लीला चल रहा है, और हमको प्रवेश करना है तो पहले वो लीला का धुन और सुर पकड़ना है, नहीं तो बेताल हो जाएगा, बेसुरा हो जाएगा, और फिर वापस हमको भौतिक जगत भेज दिया जाएगा। और वो सुर है ये चेतना कि मेरा नहीं हमारा, मैं सेवक का सेवक का सेवक हूं, दास दास दासानुदास, वृंदावन मेरा नहीं हमारा है, कृष्ण मेरा नहीं हमारे हैं, और हम सब एकत्रित होके कृष्ण और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए सेवा करेंगे। वी आर ऑलवेज टुगेदर इन सर्विस ऑफ कृष्णा एंड फॉर प्लेजर ऑफ कृष्णा। तो ये सुर है हमारे दासोस्मी परिवार का। तो और हम विनम्र अनुरोध करते हैं कि हम सबको इस दासोस्मी परिवार का सुर को अच्छे से समझना चाहिए और उसको हृदयंगम करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू इम्बाइब दिस इन आवर फैमिली and we should try to inspire other to imbibe this mood in our family of servant, servant of the servants, where we are always together, we are always concerned of each other, and we are together performing Krishna consciousness. ये हमारा परिवार दासोस्मि family का mission statement है कि ब्रज की सूर को हृदय में जागृत करना, ब्रज की चेतना को हृदय में जागृत करना, ये हमारा दासोस्मी परिवार है। तो मैं आप सबको विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप सब प्रार्थना कीजिए कि हम सब एकत्रित होकर कृष्ण का सेवा करें और इस जीवन के अंत में भगवान के धाम प्रवेश करें और भगवान के नित्य सेवा में प्रवेश करके नित्य सेवारत रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री श्री गिरिराज परिक्रमा के, जय श्री श्री गिरिराज महाराज की, श्री श्री वृंदावन धाम की, श्री श्री राधा रमण जी की, जय श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।